वेलकम अंजुम्स किचन में वेलकम। आदाब दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं बहुत ही मजेदार सी झटपट से बरबटी और आलू की सब्जी। दोस्तों आज नॉनवेज खाने का बिल्कुल मूड नहीं है, तो बनाएंगे बहुत सिंपल सी एक दाल और आलू बरबटी की ये प्यारी सी सब्जी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। तो चलिए चलते हैं सब्जी की तरफ। दोस्तों यहाँ पे हमने ले लिया है बरबटी। आप जानते होंगे ये फल्ली जो होती है इसे बरबटी की फल्ली कहते हैं और ये बड़ी मजेदार लगती है। कई तरीकों से बनाई जाती है। ये कीमे के साथ हमारी अम्मी बनाती थी और बहुत मजा लगती थी। वो रेसिपी भी हम आपको देंगे। अभी फिलहाल तो हम आलू बरबटी बना रहे हैं, तो हमने इस तरीके से ले लिया। यहाँ ले लिया हमने सीजर और इसे जल्दी से झटपट झटपट से काट लेंगे। ज्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, आप अपने हिसाब से रखिए। हमें तो ये जो है इतना साइज इसका सही लगता है, तो बस चलिए जल्दी से कट कर लेते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने जल्दी से बरबटी को भी कट कर लिया और साथ में जाने वाला है आलू और जाएंगे टमाटर। बस इतनी सी चीजें जाएंगी और झटपट से बना लेंगे हम आलू और बरबटी की सब्जी। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो लीजिए दोस्तों, हमने अपनी प्यारी सी कढ़ाई को रख लिया है, गैस को भी ऑन कर दिया है। कढ़ाई जो है अच्छे से गर्म हो चुकी है। जब भी हमारे जो बैचलर्स बच्चे हैं, जो नई नई बहुएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो जब खाना बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो डेगची है, जो कुकर है, जो कढ़ाई है, वो अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। अगर उसमें पानी रहेगा और आपने तेल डाल दिया तो पानी, ये बहुत ज़ोर से तेल जो है उचटता है और जलने का खदशा रहता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने डाल दिया है 1-3 टेबल स्पून के करीब ऑयल और इसे अच्छे से पहले गर्म होने देते हैं। और यहाँ पे देखिए तेल जो है बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, हमें तपिश महसूस हो रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून के करीब जीरा। जैसे ही जीरा अच्छे से चटकने लग जाएगा, हम डाल रहे हैं आधी प्याज जिसे हमने बारीक कट कर लिया है और साथ में हम डालने वाले हैं 2 हरी मिर्च। बस इसे थोड़ा सा चला लेंगे, बहुत ज़्यादा गोल्डन या लाल नहीं करना है। बस इतना आपको पकाना है कि एक प्याज़ की खुशबू आने लग जाए प्याज में से, उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो प्याज है वो हो गई है एकदम, आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी नरम नरम सी हो गई है ये, और उसके जो ये साइड हैं थोड़े से अब गोल्डन होना शुरू हुए हैं। बस देखिए, बस इतना सा ही हमें इसे पकाना था। अब इसमें डाल देते हैं बहुत थोड़ा सा, मतलब 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्लेम को कम करके रखिएगा ताकि मसाले जले नहीं। तो यहाँ पे अदरक लहसुन हमने डाल दिया। अब हम इसमें डाल रहे हैं बेसिक मसाले जो कि कुछ यूं हैं। इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून हल्दी और इसमें डाल रहे हैं हम 1 टीस्पून भर के लाल मिर्ची का पाउडर। हमारे यहाँ थोड़ा तेज पसंद किया जाता है इसलिए हम ज्यादा डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से डालिएगा। फ्लेम को कम पे रखिएगा नहीं तो आपके जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। और इस वक्त अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी कम हो रहा है और मसाले जो हैं जल रहे हैं, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए आप उसमें। यहाँ पे जरा सा पानी डाल रहे हैं हम, क्योंकि हमें हल्दी को और मिर्ची को थोड़ा सा पकाना है, भूंजना है हमें। तो इसे पहले भूंज लेते हैं। तो ये लीजिए जनाब, यहाँ पे जो हमारा मिर्ची थी और जो हल्दी थी वो अच्छे से यहाँ पे भुन गई है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो तेल है वो ऊज आउट हो गया है। जब इस तरह से तेल बाहर आ जाए तो समझ लीजिएगा, खुशबू से भी आपको पता चलेगा कि जो मसाला अच्छे से भुन गया है। मसाले को भुनना बहुत जरूरी है, जैसे आपको हमने बताया कि अगर लगता है कि जल रहा है मसाला, थोड़ा सा पानी डालिए। ठीक है, अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं बरबटी। और इसके ऊपर ही हम डाल देते हैं ये टमाटर। क्योंकि वो जो भाप है, भाप से आलू भी गलेंगे और टमाटर भी जो अपना जूस है वो रिलीज करेगा। और इस पे अब जाएगा नमक। तो यहाँ पे अब चला जाएगा नमक। नमक हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून। आप अपनी सब्जी के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, कम ज्यादा आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें चली गई, इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम पानी, बहुत ज्यादा नहीं। ये चला गया और इसको अब हम कर देंगे कवर और इसे अच्छे से पकने देंगे। और कम से कम 5 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे कि इसका क्या हाल है, उसके बाद फिर हम इसे सिम पे रखेंगे।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट हो गया है हाई फ्लेम पे पकते हुए। इसे खोल के थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, और खूब अच्छे से देखिए बॉईल आ गया है। अब आपको इसे मिक्स कर देना है। कितना प्यारा कलर आया है, क्या कुदरत है अल्लाह की, कैसे कैसे कलर अल्लाह पाक ने बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एकदम लाइट सा कलर है बरबटी का, बहुत प्यारे कलर है टमाटर के, और आलू भी कितना प्यारे कलर का होता है। तो चलिए ये हो गया। इस वक्त क्या करेंगे हम, गैस को कर देंगे बिल्कुल भी कम, और इसे फिर से हम कवर कर देंगे और पकने देंगे हम जब तक ये पानी नहीं सूख जाता और आलू नहीं गल जाते। तो गैस को बिल्कुल कम कर दीजिए और इसे पकने दीजिए कम से कम 3 से 5 मिनट तक। तो लीजिए जनाब, यहाँ पे हो गए हैं 4 से 5 मिनट हुए हैं सिम पे पकते हुए। तो खोलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आप यहाँ देख सकते हैं हमें ऐसा लगता है कि आलू तो अच्छे से गल ही गए होंगे। जी हाँ, बहुत अच्छे से आलू गल गए हैं, और देखिए टमाटर भी देखिए खूब अच्छे से नरम हो चुके हैं, और बड़ी जूसी जूसी सी हमारी सब्जी बनके तैयार हुई है। देखा आपने कितनी आसानी से बन गई हमारे आलू और बरबटी की सब्जी। आप चाहें तो ये जो टमाटर है इन्हें थोड़ा सा मैश कर दें, तो उससे क्या होगा आपकी सब्जी रोटी के साथ खाने में बड़ी मजेदार से लगेगी। और क्योंकि नरम हो गए हैं टमाटर, तो इस तरीके से थोड़ा सा उसे चला देंगे। तो बस ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और फिर इसे करते हैं सर्व। डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, और हमारी सब्जी तैयार है। तो दोस्तों जरूर बनाइए, झटपट से बनाइए, बहुत आसान तरीके से हमने आपको बनाना बताया है बरबटी और आलू की सब्जी। बे इंतहा मजेदार बनके तैयार हुई है, चावल के साथ भी अच्छी लगेगी और रोटी के साथ तो गजब ढाती है ये सब्जी। तो दोस्तों बस इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसे सर्व कर दिया है, कढ़ाई गर्म गर्म है, और हम इसी तरीके से अपने डाइनिंग टेबल पर रख लेंगे ताकि बच्चों को गर्म गर्म खाना मिले। तो जरूर बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक आसान सी झटपट बनने वाली लेकिन बहुत ही मजेदार सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।